अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर। आज हम साइंस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम साइंस, अमेजिंग साइंस चैप्टर नंबर फोर से काम शुरू करेंगे। ये लेक्चर क्लास फोर के लिए है और चैप्टर नंबर फोर का पहला पेज मेरे सामने है। आप लोग भी अपने अपने बुक के ऊपर ये पहला पेज खोलें। आज हम सिर्फ रीडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें बताया जा रहा है बुक के अंदर। आगे जाके फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे और पिछली जो बातें की होंगी उनका हम हवाला भी देंगे। तो आप लोगों ने गौर से देखना है, गौर से इसको पढ़ना है और हर चीज़ को समझ कर पढ़ें। सिर्फ इंग्लिश में रीडिंग नहीं करनी, उसको समझ के पढ़ना है आपने, ठीक है बच्चों? तो पढ़ते हैं जी इसको। ये पेज नंबर 31 है आपकी बुक के ऊपर, पेज नंबर 31। एवरीथिंग, हर चीज ऑन अर्थ, जमीन पर, इज ईदर, या तो वो है लिविंग, जिंदा, या फिर वो जिंदा नहीं है। मतलब कि इसको दो कैटेगरीज में आप रख सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे मैं, आप हैं, ऑल द एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, ऑल द ट्रीज ऑन दिस अर्थ, ऑल आर लिविंग थिंग्स। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें, लेट्स से कोई पोल है, कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग है, कोई क्लॉक है, टीवी है, वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। लिविंग थिंग्स की पहचान क्या होती है? वो सांस लेती हैं, वो बड़ी होती हैं, ठीक है? वो सांस लेती हैं, वो बड़ी होती हैं वक़्त के साथ साथ, वो खुराक खाती हैं या खुराक खुद बना के खाती हैं, ऐसे ट्रीज होते हैं। तो हर चीज़ को हम लिविंग और नॉन लिविंग में कन्वर्ट डिवाइड कर सकते हैं। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। जो नॉन लिविंग है उसमें क्या आता है? रॉक्स, मतलब के पत्थर आ जाएंगे, उसमें मिट्टी आ जाएगी, पानी आ जाएगा, हवा आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। और लिविंग पार्ट कौन सा है? मेड अप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि ज़्यादा अहम हमारे पास जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। जैसे कि हम लोग हैं, एनिमल्स हैं और साथ में प्लांट्स हैं। प्लांट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स होंगे तो हमारे लिए फूड रेडी होगी और हम खाएंगे। इसके अलावा प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? प्लांट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जिक्र किया हुआ है रॉक, सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट, ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, वो डिपेंड करते हैं, मुनहसर हैं, इन्हसार करते हैं किसके ऊपर? ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमसे जो है, हमें चाहिए होते हैं फूड, खाना चाहिए होता है, तो वो हमें ट्रीज से मिलता है। ऐसे ही ट्रीज़ की लुक आउटर कौन करता है? हम करते हैं, ठीक है? हम खुद उगाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको पानी देते हैं, फिर वो भी बड़े होते हैं। हर कोई जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स फॉर फूड। समटाइम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी हम डिपेंड करते हैं। या फिर जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन लिविंग है, लेकिन जो नमक है, सॉल्ट है, अगर हमारे खाने में नहीं होगा तो हमारे खाने का कोई टेस्ट नहीं है, हम उसे पसंद नहीं करते ऐसे खाने को जिसमें ये नॉन लिविंग थिंग ना हो। एनर्जी, सपोर्ट एंड शेल्टर, ये सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऑल दोज थिंग्स दैट आर अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं, ऑल दोज थिंग्स दैट आर अराउंड एन ऑर्गेनिज्म एंड विच अफेक्ट इट्स वे ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, एनवायरनमेंट की। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है और हमारे लिविंग स्टाइल को अफेक्ट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट। जैसे सर्दी है, हम और तरह का खाना खाते हैं, और तरह की चीज़ें पहनते हैं, ठीक है? रहन सहन का स्टाइल बदल जाता है हमारा, हमारी टाइमिंग चेंज हो जाती है, घर में आने की, बाहर जाने की, स्कूल जाने की, हर चीज़ बदल जाती है। तो एनवायरनमेंट जो होता है हमारे वे ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, वे ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने ये निशानी लगाई है आपने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन याद करनी है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, मतलब कि किसी भी खास एनवायरनमेंट के अंदर, हमारा मुख्तलिफ है, ऑस्ट्रेलिया का और होगा, अरब का और है, ऐसे ही कुछ और सिटीज़ हैं उनका डिफरेंट है एनवायरनमेंट। जो यूरोप वाले हैं वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है, इसका मतलब उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है।
ये जो होते हैं ना एनिमल्स और प्लांट्स, ये एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, उनकी तादाद भी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ रेन, ये भी मिलके एनवायरनमेंट बनाती है, सनशाइन एंड टेम्परेचर। पहले हमने बताया कि ये चीज़ें मिलके बना रही होती हैं एनवायरनमेंट, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, कितने वहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको इफ़ेक्ट करती हैं इस जगह के लोगों को। द शेप ऑफ लैंड और लैंडस्केप आल्सो अफेक्ट्स लिविंग थिंग्स, तो ज़मीन की जो शक्ल है ये भी डिपेंड करती है, इसकी वजह से भी हम लोग अपना रहन सहन चेंज करते हैं। लाइक हमारा जो रहने का स्टाइल है वो पहाड़ी लोगों के रहने का स्टाइल नहीं है, डिफरेंट है। ऐसे जो लोग सहराओं में रहते हैं, आप थल या थर की बात कर लें, वहाँ पे लोग बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं ना, हम तो मोटर चला के तो आराम से इंजॉय करते हैं पानी को। सहरा के रहने वाले लोगों को तो पानी मिलता ही नहीं है, वो कहीं दूर दराज जाके कुएं में से बेचारे पानी लाते हैं और सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जो रहन सहन का तरीका होता है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ज़मीन की शेप और लैंडस्केप, मतलब कि किस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, सहरा है, मैदानी इलाका है या फिर वो पहाड़ी इलाका है। एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड एट टॉप ऑफ माउंटेन्स, जो पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं एनिमल्स या पौधे, आर डिफरेंट फ्राम दोज अराउंड ऑन द प्लेन। हम जो रह रहे हैं जिस एरिया में पंजाब में, ये प्लेन है, ठीक है, हमारे पौधे डिफरेंट हैं उन लोगों के पौधों और दरख्तों से। हमारे पास टाली है, कीकर है, वहाँ पर पाइन के दरख्त हैं, वो देखा होगा बड़े ऊंचे ऊंचे पाइन के दरख्त होते हैं, तो डिफरेंट हैं, वहाँ पर और चीज़ है, यहाँ पर और चीज़ है, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, पहाड़ी इलाकों का हमारा इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इन द सी नॉट मैनी प्लांट्स ग्रो इन द सैंडी डेजर्ट्स, जो रेतों वाले सहरा होते हैं वहाँ पर तो पौधे उगते ही नहीं हैं, और इन मार्शी प्लेसेस जहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है ना, लाइक नमी ज़्यादा होती है जहाँ पर आपकी समझे कीचड़ ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी बहुत कम जो है वो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो उस जगह पर सर्वाइव नहीं करते। तो इस आज के लेक्चर के अंदर अभी हमने जो पढ़ा है, सीखा है कि हम एनवायरनमेंट क्या होता है, और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को हमने डिस्कस किया, तीन एनवायरनमेंट्स मेन हो गए इसके मतलब में, मैदानी इलाकों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है जहाँ हम रह रहे हैं, पहाड़ी इलाकों का बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ पे वहाँ पर जो रहने वाले लोग होंगे, जो वहाँ पर एनिमल्स होंगे, जो प्लांट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। ऐसे सहरा के अंदर जो है वो भी डिफरेंट है, फ़र्क होता है, वहाँ पर कम लोग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, पौधे नहीं होते, पानी भी बहुत कम होता है। तो आज का लिए इतना ही है जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे द बायोस्फीयर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।